जस्ट लास्ट टू इयर्स आई मेड द मिस्टेक वंस आई डिड इट फॉर बंगाल एंड दिस इज द सेकंड टाइम. आगे करोगे कि नहीं करोगे? हो गया, तौबा तौबा, अब नहीं करना है. नंबर करना ही नहीं है. क्या करना है? बिकॉज इफ यू रिमूव द नंबर एवरीथिंग व्हाट आई हैव सेड इज राइट. कि भाई मोदी का ब्रांड नीचे आ रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ हिज सपोर्ट हैज गॉन डाउन, देयर इज नो वाइड स्प्रेड एंगर अगेंस्ट हिम, देयर इज अ जेन्युइन सपोर्ट फॉर फूड एंड इंटरनल सिक्योरिटी, भारत का मान बढ़ा है, एंड देयर इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम विथ रूरल डिस्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोइंग इनइक्वालिटी. आई हैव सेड इट ऑन योर शो एंड मेनी अदर शोज. तो मुझे लगता है कि अगर मैंने नंबर नहीं कहा होता तो आई वुड हैव इमर्जेड कि दिस गाय गॉट इट राइट. तो प्रशांत किशोर ने अब नंबर से की तौबा? नहीं, कि नहीं करना भाई. तौबा की तो बात नहीं है. यू ऑलवेज लर्न एंड यू गेट हम्बल दैट दिस इज नॉट योर डोमेन, यू शुड नॉट डू इट. एंड बट डूइंग इट, द ओनली ऑब्जेक्शन आई डू इज व्हेन पीपल एट्रिब्यूट मोटिव टू इट. नहीं, उसी देयर इज नो मोटिव. नहीं नहीं, उसी पे मैं, देयर वाज नो मोटिव. क्योंकि एक तरीके से जैसे आपके पोस्टर को कोई कह रहा है कि इन्होंने इसलिए किया कि स्टॉक मार्केट रिग करना चाहते थे, दैट्स अ फुलिश argument. Why? No, but let's spend a moment on why I tell you, अगर किसी एग्जिट पोल पोस्टर को पता था कि 240 आ रहा है और उसने 300 किया तो उसको 300 करने की क्या जरूरत थी? वो 240 दिखा के मार्केट शॉर्ट कर देता, फिर भी पैसा बना सकता था. अगर उसको पैसे ही बनाने थे तो वो अपना रेपुटेशन खराब करके क्यों पैसा बनाएगा? वो तो रेपुटेशन के साथ पैसा बना सकता था. यू कैन बेट मार्केट बोथ वेज. सही बात. तो दैट डजंट, मैं उस लॉजिक, मैं तो कोई प्रदीप गुप्ता मेरा दोस्त नहीं है. मैं तो जनरली जो लोग बहुत होशियार अपने आप को बता रहे हैं कि आई गॉट इट राइट बिकॉज ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग, मे बी ऑल ऑफ अस वी हैव गॉट इट रॉन्ग, बट ऑल ऑफ अस फॉर लास्ट 5 or 6 or 8, 9, 10 इयर्स मेजॉरिटी ऑफ टाइम दीज पीपल हैव गॉट इट राइट. सो गिव इट टू देम एंड देन से ओके, यू मेड अ मिस्टेक, इंप्रूव योर मेथोडोलॉजी एज यू हैव सेड, लेट्स कॉल इट एग्जिट पोल, डोंट कॉल इट एग्जैक्ट पोल. दैट्स राइट. ठीक है, क्योंकि हो ये गया है कि देश अलग अलग भागों में बटा हुआ है, इकोसिस्टम में बटा हुआ है, और एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी टाइप से हो गई है. क्योंकि लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने पीछे से हवा भरने के लिए जानबूझ के, न केवल प्रशांत किशोर, तो कोई उसका तो कोई अंत ही नहीं. देखो पूरी मीडिया को कह रहे हैं जिसने भी कहा, लेकिन 10 साल से, और ये स्वाभाविक भी है, 10 साल से वन वे ट्रैफिक दे हैव बीन गेटिंग द बीटिंग ऑन एवरी इलेक्शन डे. दोज हु प्रेडिक्टेड दैट डूम्स डे फॉर कांग्रेस एलाइज, दे हैव बीन प्रूवन राइट एंड दे हैड द अपर हैंड. जस्ट इमेजिन 10 साल से उन्होंने ये ट्रोलिंग, ये बैड माउथिंग अगर उन्होंने बर्दाश्त किया है तो 2-4-10 दिन हम लोगों ने गलती करी तो हमें भी सुनना चाहिए. लेकिन उस समय भी मोटिव नहीं था और आज भी मोटिव नहीं है. वी अर्ड इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट ऑन द कन्वर्जन ऑफ वोट शेयर इन द सीट्स. वी विल कम टू द मैसेजेस एंड अ डीपर एनालिसिस बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, बट लेट्स एंड दिस बिट अबाउट मोटिव्स बिकॉज प्रशांत किशोर प्लेज मल्टीपल रोल्स. आपने अपनी जन स्वराज पार्टी शुरू की और आपने कहा मैं अब स्ट्रेटेजी से हट गया हूं, मैं अब राजनीति में हूं. फिर आप चंद्रबाबू नायडू को जाकर एडवाइस करते हो. फिर ये कहा जाता है कि अभी भी आपके बैक चैनल भाजपा के साथ चल रहे हैं. तो आपका जो है ना ये मल्टी, आपके मल्टीपल रोल होने की वजह से लोगों का विश्वास नहीं कि प्रशांत किशोर जब कुछ कहता है ना उसका कोई और मतलब हो सकता है. दीदी के साथ आपका कुछ झगड़ा हुआ है, आपके कुछ आईपैक के लोग जगन के साथ है, इन सब चीजों की वजह से. ठीक बात. मैंने इसका आंसर पहले भी दिया था. इंडिया में वी आर सो यूज्ड टू ऑफ ए पर्सन टेकिंग ए प्रोफेशन एंड जस्ट स्टेइंग पुट इन दैट प्रोफेशन. आप जर्नलिस्ट बने, जीवन भर आप जर्नलिस्ट ही रहेंगे. ये इंडिया का सिस्टम है ज्यादातर लोगों के लिए. आई हैव इवॉल्व. मैं 10 साल यूएन में था, फिर 10 साल मैं जो कर रहा था वो राजनीति से जुड़ा हुआ, आप राजनीतिक सलाहकार प्रबंधक जो भी कह लीजिए, और अब मैं जो 2 साल से कर रहा हूं, मैं 2 साल से बिहार में ही रहता हूं, वहीं पे जनसुराज कर रहा हूं. इन चुनाव में आप जैसे पत्रकारों की कृपा से मुझे लोगों ने पकड़ के इंटरव्यू कर दिया, और उनका इंटरेस्ट जनसुराज में नहीं है. लोग क्या कहते हैं, जनसुराज में तो पूछेंगे लेकिन पहले नेशनल वाला बताइए. तो कुछ तो क्रेडिबिलिटी होगी तभी आप पूछ रहे हो. लेकिन मुझे उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए था. मैंने अपनी बात बताई. आपने कहा नायडू की बात. मैंने चुनाव से पहले भी कहा कि भाई मैंने वो डोमेन छोड़ दिया है, मैं नायडू की मदद नहीं कर रहा हूं. आज नायडू जीत गए हैं, देश में बहुत पावरफुल हो गए हैं. अगर मुझे कहना होता मैं कहता भाई मैंने नायडू को जिताने में बहुत बड़ा कर... मैं आज भी आपको ये कह रहा हूं कि नायडू की जीत में मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई नहीं है. यू डिड नॉट एडवाइस हिम एट ऑल. आप हैदराबाद में बैठकर उनको एडवाइस नहीं कर रहे थे. मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप जर्नलिस्ट हो तो आपकी सर्किल क्या होगी, ये बात मैंने पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूं. जब नायडू जीत गए हैं, जब देश के सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल जगह पे आ गए, तब भी कह रहा हूं कि मैंने नायडू का कैंपेन नहीं रन किया है. लेकिन मेरी जो अपनी इकोसिस्टम है, सर्किल है, उसमें जर्नलिस्ट हैं,
नेता है तो बातचीत तो उनसे ही होगी, आप मुझे ये नहीं कह सकते मैं किसी से मिलूंगा नहीं। ओके okay. लेकिन वो काम जो मैंने छोड़ दिया पब्लिकली कह के, उस काम को मैंने दोबारा न करना है न किया है, उस पर कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। लोगों को भरोसा अगर नहीं है, दो वर्ष में और हो जाएगा, चार वर्ष नहीं करूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये है, अब आपने कहा दीदी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, वो तो अपना दीदी का स्टाइल है, उन्होंने कुछ कहा वो कह सकती दीदी है। अगर अभी आपको देख रही प्रशांत, उनको आप क्या बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, उनको मैं कल अभी से कहा था, मेरी कल उससे बात हुई है। कैन वी डू टू थिंग्स, एक है नंबर्स एनालिसिस एंड देन वी लुक अहेड। इफ वी कैन जस्ट डू व्हाट यू थिंक आर द थ्री और फोर बिग टेक अवेज, क्या वो तीन और या चार चीजें हैं जहां बीजेपी जो 303 से 240 तक आते हैं यानी 63 लॉस, और कांग्रेस जिसको सभी ने राइट ऑफ किया था 53 से 100 तक पहुंचती है, व्हाट आर द थ्री और फोर बिगेस्ट टेक अवेज दैट चेंज दिस इलेक्शन? नॉन पार्टीजन, अगर एक चीज मुझे कहना हो, एरोगेंस इज वन थिंग विच पीपल आर वोटर डजंट लाइक, एरोगेंस इन एनी पार्ट एनी फॉर्म बाय एनीबॉडी, सो दैट्स द की टेक अवे आई वुड टेक इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। गिव मी एन एग्जांपल। एग्जांपल आई मैं नहीं देना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं एरोगेंस जहां भी दिखी, सही बात, वो उसको जनता ने पनिश किया, चाहे वो जगन हो, वो उड़ीसा के अपने बीजू पटनायक जी हो, भाजपा हो, सॉरी नवीन पटनायक जी हो, जहां पर भी जनता को एरोगेंस दिखा उसको जनता ने पनिश किया है, जनता नो टू पुट यू इन योर प्लेस, दैट्स द फर्स्ट थिंग। पार्टी वाइज मुझे लग रहा है तीन कारण जिससे भाजपा को नुकसान हुआ, मुझे जो लगता है, पहला जिसने भी ये नारा लिखा 400 पार, दिस इज नथिंग रॉन्ग इन द नारा, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, इट्स जस्ट अ हाफ नारा, 400 पार तो है लेकिन किस लिए, दे लेफ्ट इट ओपन। जैसे 2014 में नारा बना था, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, सो पर्पस वॉज डिफाइंड, क्यों मोदी सरकार, क्योंकि महंगाई को कम करना है। इस बार आपने कहा 400 पार, तो सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट अपियर्ड इट रीक्ड ऑफ कॉम्प्लेसेंसी, टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट रीक्ड ऑफ एरोगेंस, एंड टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट रीक्ड ऑफ सम कॉन्स्पिरेसी, जिसको अपोजिशन ने भुनाया कि भैया ये संविधान बदल देंगे। ये एक जो चीज जिसने भी बीजेपी का नारा लिखा है, सबसे बड़ी गलती वहां हुई है कि उनको वो डिफाइन नहीं किया कि 400 पार क्यों, और जब 400 पार का नारा आया तो जो बीजेपी के लाउड माउथ थे उन्होंने अपने एरोगेंस में या गलती से या इग्नोरेंस में कह दिया भाई क्यों 400 पार चाहिए, बोला हम संविधान बदलना है, दैट हैज डन मटेरियल डैमेज एवरीवेयर टू बीजेपी। सेकेंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी, आई सेड इट बिफोर ऑल्सो, कि भी बीजेपी की कमजोर कड़ी क्या है, कमजोर कड़ी है ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी। इसमें क्या हुआ कि जो कार्यकर्ता है वो कह रहे 400 तो आ ही रहा है, मेरा इसको सबक सिखाना है। यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माई स्टेट आरा, आर के सिंह, यू गो एंड टॉक टू एनीबडी, दे विल से भैया बड़ा काम किया इन्होंने, अच्छे एमपी रहे, अच्छे मिनिस्टर रहे, लेकिन कार्यकर्ता नाराज है, कार्यकर्ताओं को भाव नहीं देते थे। जो बीजेपी का सपोर्टर है उसको लग रहा है जीत ही रहे यार, क्या करना है, देयर वाज नो पर्पस नो गोल, भाई 400 पार हो ही रहा है क्या करना है। और कॉन्ट्रेरी टू दिस, दोज हु वर अपोज्ड टू मोदी एंड भाजपा, दे हैड अ पर्पस, दे वर डाउन इन डम्स बट दे हैड अ पर्पस कि हमें इनको रोकना है, किसी भी तरीके से रोकना है, एंड दैट्स व्हाई यू सी द पर्पस एंड फेरोसिटी अमंग्स द वोटर हु वर अपोज्ड टू मोदी। मैं आपको एक खाली वाराणसी का एग्जांपल दूंगा, आपको ये क्लियर होगा, मोदी की अपनी सीट में उनका अपना वोट शेयर 14 के मुकाबले सिर्फ 2 परसेंटेज पॉइंट कम हुआ है, लेकिन मार्जिन बहुत नीचे आ गया, क्यों, बिकॉज हिज अपोनेंट वोट शेयर वेंट अप फ्रॉम 20.9 to 41%। तो अपोजिशन में लोगों को बिल्कुल पता है कि जो हरा रहा है बिल्कुल उसको वोट जाके एक साथ दिया है, करीब करीब वो चीज, ये पर्टिकुलरली दलित्स एंड मुस्लिम्स, स्पेशली दलित्स, मतलब बीजेपी ने, दलित वाज द सरप्राइज, मुस्लिम कंसोलिडेशन यस, बट देयर वाज लाइक इन महाराष्ट्र स्ट्रांग दलित वाज नॉट अ सरप्राइज, शुड नॉट बी अ सरप्राइज, बिकॉज अगर आप सीएसडीएस का पिछला डेटा देखेंगे, बीजेपी यू गॉट ओनली 30% दलित वोट इन 2019 इन देयर लैंडस्लाइड। द प्रॉब्लम इज द फेरोसिटी, देखो मुस्लिम उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं, और दूसरा यह है कि हर मुस्लिम ने यह बना लिया कि इस बार तो एक एक वोट पोल कर रहा है, वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, जो फेरोसिटी जो है ना, कि एकदम उनका क्लियर है कि हमें एक वोट भी इधर उधर नहीं करना है, हमें वोट करना है, पोल करना है, एंड दैट इज व्हाट प्रोबेबली हैज डैमेज, एंड दैट काइंड ऑफ सेंस ऑफ पर्पस गोल वाज नॉट
with the BJP supporters. They took it lightly. They were complacent at times. अरे ठीक है यार, लास्ट में आते आते मोदी के नाम पर वोट पड़ ही जाएगा. Lot of people went with this mindset. उनको मालूम है descent दिख रहा है. मैं ऐसे कैंडिडेट्स को भी जानता हूं जो सीधा ये कह रहे हैं कि गाली दे रहा भाई हमको नहीं देना. मोदी को भी किसको वोट दिए थे? हमको वोट दिए थे. तुम लोगों ने कहा तुम्हें वोट नहीं देंगे, कह रहे तुम हमको वोट दिए कहां थे? मोदी को वोट दिए थे, नहीं होगा तो उनको नहीं देना. दैट लेवल ऑफ एरोगेंस शोन ऑन रिकॉर्ड बाई सम ऑफ द बीजेपी कैंडिडेट्स कि भाई हमको नहीं देना चाहते हो ना, नहीं देना, हमको दिए कहां थे? तुम तो मोदी को दिए थे.